हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम पापड़ की रेसिपी। इसे बंगाली में आम चौतू भी कहा जाता है। आज हम इस आम पापड़ को कच्ची आम से बनाने वाले हैं, तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन ले लें, बर्तन में कटे हुए आम डाल दें। हमने यहाँ पर 4 आम लिया है। अब इसमें पानी डाल दें और इसे ढक कर 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबलने दें। पाँच मिनट बाद हम ढक्कन को हटाकर देख लेंगे। देखिए, 5 मिनट बाद हमने ढक्कन हटा लिया है, हमारा आम ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसे हम उतार लेंगे। अब इसे अलग बोल में निकाल कर ठंडा होने दें। जब तक हमारी आम ठंडी हो रही है, तब तक हम आम पापड़ को फैलाने के लिए एक बर्तन को घी या फिर तेल से ग्रीस कर लेंगे। बर्तन को ग्रीस कर लेने से जब आम पापड़ सूख जाएगा, तब इसे निकालने में आसानी होगी। आम ठंडी हो चुकी है, अब इसे मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बना लें। आम के पल्प में रेशे ना रहे, इसलिए इसे छन्नी की मदद से छान लें और बचे हुए रेशे को फेंक दें। इससे हमारी आम पापड़ स्मूथ बनेगी। अब पल्प को पैन में डालकर गैस को ऑन करें और मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते रहें। 5 मिनट बाद इसमें 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी डालें। आप चाहे तो 1 कप भी डाल सकते हैं और 10 मिनट तक पकाएं। धीरे धीरे इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। अब 10 मिनट बाद इसमें आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच रोस्टेड मसाला पाउडर। इस रोस्टेड मसाला पाउडर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आधा छोटी चम्मच नमक डालकर इसे मिक्स कर लें। इन सारी मसालों को डालकर 5 से 7 मिनट तक चला लें। इसे टोटल पकाने में टाइम लगता है 15 से 20 मिनट। देखिए, इसका टेक्सचर चेंज हो गया है, ये जेली की तरह दिख रहा है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ग्रीस किया हुआ बर्तन में डाल दें। गरम गरम ही डालें, इसे ठंडा होने ना दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये सेट होने लगती है। इसे इस तरीके से चारों तरफ से हिलाते हुए हिला लें। इस तरीके से इवेनली स्प्रेड हो जाता है। इसे धूप में सूखने में 2 से 3 दिन लग जाता है, और अगर धूप ना हो तो आप इसे पंखे के नीचे 4 से 5 दिन में सुखा सकते हैं। हमारी आम पापड़ सूख चुकी है। अब इसे अपने मनपसंद शेप में काट लें। इस आम पापड़ को आप 2 से 3 वीक तक रख कर खा सकते हैं। हमारी खट्टी मीठी मसालेदार आम पापड़ बन चुकी है। आप भी इसे बनाइए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। आप भी इस खट्टी मीठी मसालेदार आम पापड़ ज़रूर बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।